नमस्कार, स्वागत है आपका डेली डायरी न्यूज में। यूपी में कांग्रेस पार्टी ने अपनाई है एक अलग रणनीति। जी हां, अलग रणनीति के तहत कांग्रेस पार्टी तलाशने वाली है अपनों को। कांग्रेस जनाधार बढ़ाने के लिए यूपी में अपना कौन को तलाश करेगी और हर बूथ पर पार्टी के 8 जोशीले यूथ इस काम को करने में जुटेंगे। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस हर बूथ पर एक अध्यक्ष और 8 दूसरे जोशीले यूथ को जोड़ने का काम कर रही है और इन यूथ का काम वोट बनवाने से लेकर वोट डलवाने तक का होगा और साथ ही ये जानकारी जुटाएगी कि कांग्रेस के समर्थन में कौन कौन से लोग सामने आ सकते हैं। इसके लिए वो एक सामाजिक संगठनों, व्यापारिक संगठनों, एनजीओ, सियासी राय जिताने वाले बुद्धिजीवियों, रिटायर्ड शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर्स और महिला संगठनों से भी मिलने का प्लान बना रही है। जानकारी हासिल करने के बाद पार्टी के बारे में सॉफ्ट कॉर्नर रखने वाले इन समूह के पास सीनियर नेता या फिर कमेटी के लोग जाकर उन्हें जोड़ने का काम करेंगे और साथ ही साथ पार्टी का मानना है कि संगठन से संपर्क होने से एक साथ काफी लोगों तक अपनी बात पहुंचाई जा सकती है। ये यूथ अपने साथ कम से कम 20 नए युवाओं को जोड़कर अपनों को पहचानने में सहयोग करेंगे। तो अपना कौन की तलाश करेगी अब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी, अब देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस की नई रणनीति आखिरकार उसे कितनी सफलता दे पाती है। डेली डायरी की रिपोर्ट।